नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लनटॉप शो, जिसका इलेक्शन स्पेशल चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारी 5 टीमें 3 चुनावी राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का दौरा कर रही हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये टीमें हैं कहाँ पर। टीम हीरा पहुंची राजनांदगांव, टीम मोती ने किया रायगढ़ का दौरा, वहीं टीम चेतक चंबल के किनारे मुरैना पहुंची और टीम सुल्तान पहुंची मध्य प्रदेश के ही धार में, और हमारी टीम तूफान कवर्धा होते हुए मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर पहुंची। कैलेंडर में साल देखिए तो नजर आता है 2018, लेकिन इसी साल में जब सब सरकारें विकास के दावे कर रही हैं, हमारे रिपोर्टर ऋषभ को मुरैना में, जो कि चंबल के किनारे बसा है, एक गांव नदुआपुरा में नजर आया कि ना कोई पक्का मकान है, ना सड़क है और ना ही गांव के लोगों ने बिजली के दर्शन किए हैं। ये मैं भी अब पार कर ही लेता हूँ। ये दलदली इलाका है, ये पैरों में मिट्टी गिर रहा, जी आ जाइए आराम से आइएगा। बस हम ये इलाका तो हमने पार कर लिया। ये इतने कम पानी में ये जब मुश्किलें हैं तो आप सोचिए, जब ये पूरा भर के चलता होगा तो कोई कैसे ही इसको तैर के पार करेगा। अच्छा, आपने सुना है मोदी का नाम? सुना है ना, सुना है। देखो ना, सुन लेता है। मोदी का शक्ल नहीं देखी? नहीं देखी। शिवराज सिंह चौहान की देखी? नहीं देखी। अपन जहाँ रहते जंगल हम देख कांति आए, हाँ कम ना देखी। आपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री की शक्ल नहीं देखी है? अखबार आता है यहाँ, अखबार करेंगे क्या, पढ़े ही नहीं? बस यहाँ तभी तो कोई कागज लेकर चलाए कि नहीं, जंगल में खा रहे थे यहाँ। अखबार टीवी देखिए आप? नहीं देखिए। अच्छा, प्रधानमंत्री जो हैं हमारे देश के, जो मतलब पूरा राजकाज देखते हैं, उन्होंने गैस सिलेंडर बंटवाए हैं सब लोगों को, गैस बंटवाए। हाँ बटे खूब बटे रहे। आपके यहाँ बटे? हाँ बटे पसंद दही नाने गए, वहाँ आधार कार्ड ले गए, सिगर ले गए, मान दही नाने, हाँ फार्म भरदा से बात है, पर मिले ना को गांव में कैसा ना आते। आपने कागज भरा था? हाँ भरे। आपको फिर क्या जवाब मिला? हाँ अन्यों कई के तो मायना है, आओ नाने माँ यहाँ तो कछू ना आने आते लल्लू। अच्छा, ना लाट ना बिजली और ना पानी का साधन कछू ना आते, तो माई वो ना रोड और ना पुलिया कछू ही ना। जब यहाँ पे किसी औरत कोई गर्भवती होती है, अस्पताल तक कैसे लेके जाया जाता है? नहीं घर पे ही करते हैं, अगर पैदल ले जाते हैं। आदमी लग जाते हैं खटिया पे, खटिया पाल लेते हैं, बितौले भी आते हैं, खटिया पे रख के ले जाते हैं। अच्छा, कोई साधन नहीं आता? कोई साधन नहीं आता, एम्बुलेंस नहीं आती है। एम्बुलेंस क्या है? नर्स? हाँ नर्स नहीं आती, सॉरी एम्बुलेंस बोल रही थी, मैंने गलत सुन लिया इनका। तो जब गर्भवती होती है तो यहाँ घर पे ही बच्चा पैदा? हाँ घर पे ही बच्चा। और अगर कोई गंभीर हालत में आ जाए तो? खटिया पे रख के ले जाना पड़ता है रोड तक, फिर माते साधन बुलाते हैं तब आता है। शौचालय कहाँ पे है? क्या वो कहूँ नहीं, कहाँ जाते हो? जंगल में। जंगल में? अच्छा, जैसे रात बरात के टाइम पे किसी महिला को या किसी को भी कहीं जाना हो तो जंगल में जाएगी? जंगल में जाएगी। टॉर्च वगैरह की व्यवस्था होती है? हाँ टॉर्च में लगा लेते हैं। बैंक अकाउंट है आपका? बैंक खाता है? हाँ, हाँ। बैंक कहाँ है? बैंक कितनी दूर है? सराय। कितनी दूर पड़ता है? ये सराय 6-0। कितने दूर पे होगा थाने? मतलब 7-8 किलोमीटर है लगभग, 7-8 किलोमीटर। आप तो जाते कैसे हैं बैंक तक? पैदल पैदल ही जाते हैं। को आते प्यासे भूखे, गड़े में पानी भर ले जाते हैं, बोतल में तब पहुंच पाती है। अच्छा, बैंक जाने के लिए आपको पानी का घड़ा साथ में लेके जाना पड़ता है क्योंकि रास्ते में पानी नहीं है? राजस्थान पानी नहीं है। ऐसे लोग कितने हैं यहाँ पे जिन्होंने टीवी नहीं देखा है आज तक? टीवी कैसा होता है? जब चलाएंगे तो नहीं देखा है? नहीं देखा। मतलब बच्चे घर पड़े नहीं थे? अच्छा, इन बच्चों ने आज तक टीवी भी नहीं ना देखा? बच्चा का देखेगा, हमने खुद ना देखे तो बच्चा कहाँ से देख ले। हमारे दूसरे रिपोर्टर निखिल पहुंचे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, यहाँ हमने देखा मुख्यमंत्री रमन सिंह का गोद लिया गांव सुरगी। मिली एक महिला, बताया कि स्वच्छता के आंकड़े पूरा करने के लिए दबाव देकर शौचालय बनवा दिया गया, उसके लिए पैसा नहीं था तो मुझे अपनी बकरियां बेचनी पड़ी, कहा गया बाद में पैसा मिल जाएगा और बाद में ये मिला। 4 ठन बकरी बेच के बनवा। अच्छा, ये बता रही है कि इन्होंने 4 बकरियां बेची। आप काम क्या करती हैं? मैं इसने मजदूरी गैया चराते हैं। अच्छा, गैया चराते हैं। जमीन है आपके यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, और बकरी जब कितनी बकरी थी आपके पास जिसमें से? बकरी रही से वो रही सो 9-10 ठन रही से, 10 ठन रही से। अच्छा, इन 10 बकरी में से 4 बकरी। तो चलते हैं अंदर आपके यहाँ, वो देखते हैं टॉयलेट। तो आपको मतलब आपके पास 10 बकरी थी उसमें से 4 आपको बेचना पड़ा? हाँ। कौन बोला बेचने के लिए आपको? नहीं ना सर, तो
कोई नहीं बोली से मतलब उधारी बाड़ी तैसे सामान दे नहीं। तो आपको आपको टॉयलेट बनवाया बोला किसने बनाने को बार बार? ओ हमारे गांव वाला सचिव मन बोले है तो बना हन। तो आपने बताया उनको कि मेरे पास तो पैसा नहीं है मेरे को बेच? बोले हन नहीं है कहके तो बनाओ बनाओ की तब बोले हन। ये कितना दिन हो गया इसको बनवाए? इतने कितना दिन, एक साल हो गए ना गुटो, ये साल भरो एक साल हो गए। ठीक है, अब आपको उम्मीद है मतलब पैसा मिलने की? अब उम्मीद है तो हावे के कहा था ना, पूरा गांव भर के बोला था उम्मीद है कि क्या इधर किसी को समझ में आया कि इन्होंने क्या बोला? भाई साहब आपको आती है, क्या बोला इन्होंने? उम्मीद है करके बोल रहा है मिलेगा करके। अच्छा, लेकिन उम्मीद तो नहीं दिख रहा है, है ना? मिलना होता तो अभी तक तो मिल जाता, क्योंकि सेफ्टी के पास आ चुका है, लेकिन दिया क्यों नहीं? घड़े अब कौवे की कहानियों में नजर आते हैं या कभी कभी गर्मियों में, लेकिन तीसरी टीम विनय सुल्तान के नेतृत्व में जब धार के अरेठिया पीर मोहल्ले में पहुंची तो पता चला कि यहां घड़े नजर भी आते हैं और आधे घंटे के इंतजार के बाद भरे भी जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या पेयजल की समस्या, सुनिए महिलाओं ने क्या कहा। हाँ क्या भी तो नहीं सुनता, सब कल चुनाव के समय आ जाएंगे और अभी बस इतनी रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा हमारी, बस पड़े रहेंगे भले ही हम यहाँ पर कीचड़ में ही पड़े रहेंगे। आप भी तो पानी बता, इतना डोला गंदा पानी भी आता है तो वो भी पीना पड़ता है हमारे को। क्या क्या सुविधा हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए कीचड़ में ही पड़े रहेंगे क्या हम? ये कितने साल से है ऐसा? कब से ही है सर, सुधर ही नहीं रहा है मोहल्ला, खाली उत्तासा बना बस, और ये पूरा कीचड़ में ही पड़े। क्या कोई नाली भी ढंग से साफ नहीं होती है, मच्छर हमको बीमार पड़े हैं, मलेरिया हो रहा है, कोई हमारी तवज्जो ही नहीं हो रही है। हमारी टीम टीम तूफान रायपुर से जबलपुर रवाना हुई तो रास्ते में पड़ा कबरधा, जो गृह कस्बा है मुख्यमंत्री रमन सिंह का। यहाँ के भारत माता चौक पर स्टूडेंट्स मिले, उन्होंने एक कमाल की सरकारी योजना बताई जिसका नाम भी उन्होंने ही रखा पंचवर्षीय योजना। इसमें कोई लाभ नहीं मिलता, इसमें एक एग्जाम देना होता है और फिर चार साल मुकदमा लड़ना होता है। सर अदर स्टेट्स में नॉर्मली पीएससी तीन चरणों में होता है, जैसे प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू, लेकिन हमारे स्टेट में चार चरणों में होता है। प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर उसके बाद हमको हाई कोर्ट से लड़ना पड़ता है। इतने सारे गलत क्वेश्चन आंसर गलत लिए जाते हैं, इतनी समस्याएँ आती हैं कि कई कई साल केस चलता है, एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ना पड़ता है। इसमें आप देखिए सर, जैसे वो एक पोस्ट है फरवरी में हुआ, फरवरी के बाद जो है सर उसका सेकेंड एग्जाम होता है, क्योंकि एक से अस्सी तक आंसर उसका ए तक ही लगातार आंसर रहता है सर, लगातार 150 क्वेश्चन में। आप ये कह रहे हैं कि एक से 80 तक जो सवाल हैं उनके जवाब ए सर। पिछले एक एग्जाम में ऐसा हुआ था, मेरे को भी ध्यान है, उसमें एक से 80 तक लगातार ए आंसर लिया गया था। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है ये सर। अपने यहाँ ना लगभग जो भी सिविल सर्विस के एग्जाम देने हैं, जिसको भी अधिकारी कर्मचारी बने, वो पंचवर्षीय योजना लगा के चले छत्तीसगढ़ में, दूसरी जगह नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे आप कम से कम 5 साल का आपको लगे कोर्ट कचहरी करते करते, आप तब जाके कर्मचारी अधिकारी बने। कबरधा अभी बाकी है, क्योंकि यहीं पर हमें मिले एक ऐसे प्रत्याशी जो लोकसभा का चुनाव हो या नगर पालिका का चुनाव या फिर विधायकी का चुनाव, सब लड़ते हैं। इनकी खासियत, चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया तो समोसे वाला भी कुछ क्यों नहीं बन सकता, और चुनाव लड़ने का तरीका आपके सामने। मैं एक बार विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ 2008 में, और उसी दरमियान जो नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव हुआ था वो भी लड़ चुका हूँ मैं, और उसके बाद फिर जो 2009 में लोकसभा भी चुनाव लड़ा हूँ राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से, और 2014 में बिलासपुर से भी संसदीय चुनाव लड़ा हूँ मैं, 2240 वोट मिला था मुझे सर। और अब फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपका 5वां चुनाव? जी सर। इतने चुनाव क्यों लड़ते हैं आप? शौक है सर, क्या है, मैं गरीबों के बीच में जाना चाहता हूँ, जनता सेवा करना चाहता हूँ, जनसेवा। पर जनता तो आपको वोट नहीं दे रही, आप हर बार हार रहे हैं। अब जनता इस बार मेरे को चुनेगी नहीं जनता, क्योंकि शिवसेना का प्रत्याशी बना हुआ हूँ मैं इस बार। लेकिन आप तो यहाँ समोसे बनाने में व्यस्त हैं और बाकी सब प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं। क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, 10,000 पब्लिक इधर ही आते हैं, 10 का 5 समोसा बेचता हूँ, इसलिए फेमस हूँ, इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। 10 का 5 समोसा तो फ्री में तो नहीं बांट रहे? नहीं सर, फ्री में नहीं बांट रहा हूँ, चुनाव आयोग नाराज हो जाएगा। जी हाँ। अपने बारे में बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, कितना पढ़े हैं? कवर्धा जिला कबीरधाम का हूँ, वार्ड नंबर 20 का हूँ, मैं 5वीं पास हूँ, और बचपन से ही मैं 1 रुपये 2 रुपये समोसा बेचने का मेरा व्यवसाय है, और हर साल 5 रुपये सिक्का जमा करता हूँ सर, वो 5 साल तक के सिक्का जमा करता हूँ 5-5 रुपये, और उसी में चुनाव लड़ता हूँ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो मिलवाएंगे बीजेपी के उस बागी से जिसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं करता।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दी लल्लनटॉप शो में। लल्लनटॉप की टीम तूफान पहुंची मध्य प्रदेश के महाकौशल के केंद्र जबलपुर, जहां पर सबकी जबान पर एक ही चर्चा है, भाजपा के बागी की नाम धीरज पटेरिया, जो कभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और अब शहर की उत्तर विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं। धीरज पटेरिया ने बड़े दिलचस्प जवाब दिए। हमने पूछा, भाजपा छोड़ दी, शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी के बारे में अब क्या कहेंगे? तो ये था उनका जवाब। नरेंद्र मोदी के प्रति आपके मन में सम्मान, मोहन भागवत का जिक्र आते ही आपके भीतर का स्वयंसेवक जाग जाता है कि उनका तो मुझे नाम ही नहीं लेना चाहिए था। शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र तोमर के बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। विनय सहस्रबुद्धे के बारे में पूछूंगा तब भी आपका यही जवाब होगा। सुहास भगत के बारे में तब पूछूंगा तब भी यही जवाब होगा। जब ये सारे संत हैं तो फिर आपको मौका क्यों नहीं मिला? फिर नाराज़गी किस बात की है? वो आप तय करिए कौन क्या है। ऐसा नहीं है मैंने कभी गुस्से में कुछ बोला होगा शुरू में। अब चूँकि समय निकल चुका है, अब मैं चुनाव के मैदान में हूँ, तो मुझे अब चुनाव जीतना ये बात मेरे मन में है। और जो भी कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े सब भाजपा से जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। ये ए टीम है कि बी टीम है वो आप तय करिए कौन सी टीम है, लेकिन जनता और कार्यकर्ता बिल्कुल मेरे पक्ष में दिख रही है। और मुझे कोई भी ऐसा बयान नहीं देना, कोई भी बात ऐसी बोलना नहीं चाहिए जो लोगों को लगे कि इनको नहीं बोलना थी। आपने जामपाली माइंस का नाम सुना है, आंकड़े बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान, कहते हैं कि पहले नंबर पर भी पहुंच सकती है। यहां पहुंचे हमारे रिपोर्टर सौरभ त्रिपाठी और उन्हें बताया गया कोयले की खान के पीछे जो काला खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का। जीप 12 का कोयला जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। जीप 12 मतलब खराब क्वालिटी है? नहीं, जीप 12 मतलब मीडियम क्वालिटी। मीडियम इस खदान के हिसाब से मीडियम क्वालिटी का है। इसमें हम लोग पेपर में 1,00,000, जैसे मैं आपको बताया 1,25,000 टन हम लोग पेपर में शो करके रखे हैं। आप देखो ये कोयला दिख रहा है कितना टन होगा आपके हिसाब से? आप खुद देखो, मुश्किल से 2,000 टन का कोयला है यहाँ। अच्छा, बाकी कोयला कहाँ गया? सब रात के अंधेरे में पार। हाँ, और ये जैसे कोयला आप देख लो, इसको खोल के ले लो, शूट करो ना, इस तरफ जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये हम लोग क्या किए हैं, अगर जो ट्रांसपोर्टर इनको पैसा नहीं दे रही है उनके लिए कोयला क्वालिटी हम लोग ख़राब कर दिया। इसमें मिट्टी डस्ट डाल के प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो इनको 100 रुपये टन कोयला देगा फिर उनको अच्छा कोयला प्रोडक्शन मिलेगा। तो इसलिए हम लोग कोयला को क्वालिटी को पूरा ख़राब कर करके जो पैसा देगा वो अच्छा कोयला पाएगा, जो पैसा नहीं देगा, कमीशन नहीं देगा, रिश्वत नहीं देगा, उसको अच्छा कोयला नहीं मिलेगा। तो जैसे JPL है, JPL की कैपेसिटी हर माइन से 1,00,000 से 1,50,000 टन की है। DB पावर है, उसकी हर माइन से अभी की डेट में 30,000 टन की हर माइन से। वैसे करके जितने भी प्लांट है सबके अलग अलग कैपेसिटी, तो आदमी को उस हिसाब से उसके DO मिलता है। अब मैं जैसे JPL काम करता हूँ, मेरे को 1,00,000 टन का दिया, तो मैं 1,00,000 पहले वहाँ 1,00,000 पेपर जमा करूँगा, 1,07,000 पैसा दूंगा उनको, तो मेरे पेपर वो साइन करेंगे। 1,00,000 टन का ऑर्डर है आपके पास? हाँ। तो इसमें कमीशन कितना देना पड़ता है मेरे को? रायगढ़ GL ऑफिस में पहले तो 1,00,000 के हिसाब से 1,00,000 वहाँ दूंगा। मतलब 10,00,000 आपने वहाँ जमा कर दिए? हाँ, वहाँ जमा किया, उसके बाद फिर वो पेपर फॉरवर्ड होके जो जिस भी खदान के, जैसे जामपाली की है तो जामपाली आएगी। जामपाली में जब तक सबेरिया को आप पैसा नहीं दोगे 6 रुपये टन के हिसाब से। यहाँ कौन कौन से अधिकारी बैठते हैं? यहाँ मेन रहते हैं सबेरिया और मैनेजर। क्या नाम है सबेरिया अधिकारी का? सबेरिया का नाम है रमेश कुमार सिंह। रमेश कुमार सिंह। हाँ। तो उनको कितना पैसा देना पड़ता है? उनको आपको 6 रुपये टन देना पड़ता है, तो जाके आपके पेपर में वो साइन करेंगे। सिर्फ साइन करने का आपको 6 रुपये टन के हिसाब से। अब जैसे 1,00,000 टन का है तो मेरे को 6 रुपये के हिसाब से 6,00,000 रुपये, जब तक उनको पेमेंट नहीं दूंगा वो मेरे पेपर में साइन नहीं करेंगे। शो खत्म करने से पहले एक जरूरी सूचना। लल्लनटॉप की चुनावी कवरेज फॉलो करने के 4 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, दी लल्लनटॉप शो देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे तेज पर। स्टेप नंबर 2, लल्लनटॉप की एंड्रॉइड ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पर आपको चुनाव के सारे वीडियो और रबते मिल जाएंगी। स्टेप नंबर 3, लल्लनटॉप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी चुनावी वीडियो आपसे मिस ना हो। स्टेप नंबर 4, लल्लनटॉप के फेसबुक पेज को लाइक करिए। ज्यादातर वीडियो यहीं पर फेसबुक लाइव की शक्ल में अवतरित होते हैं और यहां से आपको टीम की लोकेशंस भी पता चलती रहेंगी। ये था आज का दी लल्लनटॉप शो। कल एक बार फिर आपसे चुनाव के तमाम रंगों के साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया।